क्लियर होगी ना बात। अब हम चल रहे आगे, आगे ये है कि आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप मुझे कुछ केसेस करके दिखाएंगे। कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं, मैं आपको असिस्ट भी करूंगा, गाइड भी करूंगा, तो लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी समझ लें, लेकिन अगले जो दो तीन केस हैं वो आपने मुझे करके देने, ठीक है। ये जो आपने अबॉर्शन देखा, इस अलामत को कहते हैं रेपर्टरी की लैंग्वेज में रूब्रिक। क्या कहते हैं? रूब्रिक। बंदे पूरे नहीं है वरना बड़े किसी फने खां किस्म के उपाय से पूछ लेना कि रेपर्टोरियल सिंड्रोम किसे कहते हैं हजरत, उसको कोई नहीं पता, उसको ये पूछो ना दिन में, वो बड़े फख्र से बताता है 1,00,000 रुपया कमाता हूँ जी मैं, उसको पूछो रेपर्टोरियल सिंड्रोम किसे कहते हैं, कोई पता नहीं। ये हमारा मसला है हमारा, ठीक है ना। रेपर्टोरियल सिंड्रोम उसको कहते हैं जो आप 3-4 अलामत ले लें, उनको रेपर्टराइज कर लें, जिन अलामत को आपने रेपर्टराइज किया या केस में से जिन अलामत को रेपर्टराइजेशन के लिए चुना उनको रेपर्टोरियल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर आप मुझसे कोई केस डिस्कस करते हैं तो मैं आपको पूछ सकता हूँ कि डॉक्टर साहब आपका रेपर्टोरियल सिंड्रोम क्या बना, आप मुझे बताएंगे इतनी अलामतें थी जहाँ मैं उसमें से यही अलामतें मैंने जो है वो रेपर्टोरियल सिंड्रोम के तौर पर, ठीक है ना। अब ये है कि डॉक्टर साहब दें और आपको ये बड़ा मजेदार काम है, और अभी आपकी थोड़ी देर में ये परसेप्शन बदल जाएगी कि हम सिंगर रेमेडी नहीं आती, और आज से आप स्टार्ट भी कर देंगे सिंगर रेमेडी इंशाल्लाह। ये तो बड़ा आसान है, वो तो कम्बिनेशन देना तो बड़ा ही मुश्किल मसला है, मुझे तो नहीं समझ आती, वो तो मुश्किल काम है। अच्छा मैंने ना रूब्रिक के आगे सफा नंबर लिखा हुआ है ताकि आपको अभी नए नए है ना भाग ना जाए, ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो आपको ना वो सफा उस पर जाके अपनी रूब्रिक ढूंढें, उसमें दवाइयाँ देखें, और अगली बात फिर आपको बताता हूँ, पेपर आपके पास पहुँच गया पहले। अच्छा इसको दिलचस्पी के साथ करें क्योंकि ये आपकी ना जिंदगी भर का ये आपके साथ चलना है। मैं बता रहा एक मिनट रुकिए, ये देखिए पहला केस है, केस नंबर 1 के अंदर आप पढ़े ना अपनी कॉपी पे, तो दो रूब्रिक्स लिखी है। एक मरीज आपके पास आता है जिसको पेट में गैस है, गैस को हम कहते हैं प्लैट्यूलेंस, ऐसे कहते हैं जी, जी सर। अच्छा वो प्लैट्यूलेंस जो है 125 नंबर सफे पे यहाँ मौजूद है क्योंकि अल्फाबेटिकल है सारी रिपोर्टिंग। अच्छा फिर है मरीज आपको कहता है डॉक्टर साहब मुझे गैस भी है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे डकार आने से ना मेरी तकलीफ और बढ़ती है, इरेक्टेशन एग्रावेट, दो चीजें आपके पास आ गई। अब आप इन दो चीजों के ऊपर मरीज की दवाई सेट करना चाहते हैं, लेकिन आप इन रूब्रिक्स में जाकर देखिए 125 नंबर सफा और 107 नंबर सफा दोनों रूब्रिक्स मौजूद है, मुझे बताएं कि किस रूब्रिक में ज्यादा दवाएं रूब्रिक्स नंबर है और किस रूब्रिक के अंदर कम दवाएं। पहले सर ये देखिए ये रूब्रिक नंबर है सफा नंबर 2 के केस नंबर से ये 300 सॉरी ये रूब्रिक नंबर है रूब्रिक नंबर रूब्रिक सॉरी सफा नंबर 2 आपको समझ आ रही है मुझे 125 नंबर रूब्रिक के अंदर ये देखिए ना, एक मिनट रुक जाएगा, देखिए डिक्शनरी तो देख लेते हैं ना जी, ये अल्फाबेटिकली देखे ना सारे, ये देखें ई के साथ शुरू है, प्लैट्यूलेंस ढूंढे आप पहले जी, अल्फाबेटिकली प्लैट्यूलेंस ढूंढे, एफ ढूंढे एफ वो जी पेज नंबर 311 पे
311 सफ़े पे ये है, ठीक है ना। मुझे आपसे ये बताएं पहले, इन दो रूब्रिक्स में किस रूब्रिक के अंडर दवाएं कम है जी? ये सारे देख लें जरा यार, इन दो रूब्रिक्स में से किस रूब्रिक के अंदर दवाएं कम है? अच्छा, अब आप पता क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि जिस रूब्रिक के अंदर ये दो इंतखाब कर लिए आपने रूब्रिक्स, इन दो में से जिसके अंदर दवाएं कम है वो आप जो है कम दवाओं वाली रूब्रिक पहले लेंगे, और फिर क्या करेंगे कि जो आपकी ज्यादा दवाओं वाली रूब्रिक है उसमें से वो रूब्रिक दूसरी जो है वो निकाल देंगे। निकालने का तरीका, आपको मेरे पास अब बोर्ड नहीं है वरना मैं आपको बताता कि इसमें जो कॉमन है वो अलग करना है, कॉमन अलग करनी है और उनका स्कोर भी देना। फर्ज करें आपने लिखा, फॉर एग्जांपल आपने रूब्रिक ली एक रेक्टेशन अगर में, उसमें आपने देखा कि वो कौन कौन सी दवाएं हैं जी, बोले पहली दवाई कौन सी उसके अंदर रेक्टेशन अगर में, है? अच्छा ब्रायोनिया, ब्रायोनिया का स्कोर कितना है? एक, एक। अब आपने ये देखना है कि ब्रायोनिया का जब ये सारी दवाइयां से तरतीब से लिखने, एक रूब्रिक की दवाइयां सारी लिखने तरतीब के साथ, उसको स्कोर दे दें, फिर जो दूसरी रूब्रिक देखें उसमें देखें ब्रायोनिया का स्कोर कितना है वो प्लस करके उतना कर दें, और दूसरी दवाई का स्कोर उस रूब्रिक में कितना है वो प्लस कर दें, फिर टोटल करके देखें कि किस दवाई ने सबसे ज्यादा स्कोर लिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तमाम दवाएं लिखेंगी इरिटेशन एग्रावेट में कम दवाएं वो सारी लिखी जाएंगी, फिर आप देखेंगे कि फ्लैटुलेंस की दवाओं में कौन सी दवाएं मुश्तरक है और उनका वहां पर स्कोर क्या है यहाँ पर स्कोर क्या है, वो उसको टोटल करेंगे आप। बात समझ ना जी? ये डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि सेंसेशन मेथड का लेक्चर बड़ा अहम है, मैं कहता हूं कि लेक्चर अहम ये है, ये हमारी बुनियाद है। अगर बुनियाद नहीं ना आनी फिर सेंसेशन मेथड भी नहीं आना। तो इसमें कोई डिफिकल्टी है डॉक्टर साहब आपको? सर कोई मुश्किल है तो पूछे। क्या क्या है वो दूसरे तीन नंबर वाली मेडिसिन सेट करनी है? अब आप यार पास हो, अब मेरे पास अब ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको लिख के बता सकूं। ये यूं कर लें, ये यूं कर लें आप, एक केस ना डॉक्टर साहब मैं करके बताना चाहता हूँ, ये बड़ा ठीक है। अब ये देखें आपने रूब्रिक लेनी है, कौन सी लेना चाहते हैं? इरेक्टेशन एग्रावेट। अच्छा उस रूब्रिक में मुझे दवाएं बताएं कौन कौन सी है? ये देखिए ब्रायोनिया, उसका स्कोर कितना है? वन। आगे कार्बो एनिमेलस स्कोर वन है जी। ये अच्छा किया, अब स्कोर देना क्या है? स्कोर क्या है इस रूब्रिक में? 1.48 चलिए ये भी आपका तरीका ठीक है, लेकिन ये तरीका यूं है कि अच्छा तीसरी दवाई कौन सी है? आगे कार्बोवेज एक, कैमोमिला थ्री, और चाइना कितना स्कोर है? वन कर दे। आगे कॉक्यूलस कितना है जी? कॉक्यूलस है, कॉक्यूलस चाइना की स्कोर कितना है? चाइना की टू लग रही है, चाइना छह है जी, चाइना का एक है नहीं, ये दो है इसका। अच्छा कॉकलस का कितना है? एक। आगे क्या है?
जलापा कितना है? एक. आगे है? अच्छा लेक्सस कितना भाई? वन. आगे लक्स कितना है? वन. आगे फास्फोरस? वन. आगे रस्टॉक्स? वन. सल्फर? वन. सल्फर वन. आगे आगे बस यही है, बस यही है. अब यही यही दवाएं मुझे अब उधर देख के बताएं कि उधर इनका स्कोर क्या है दूसरी लोग देखें. देखिए जरा ब्रायोनिया का कितना स्कोर है चले इसको जीरो कर दिया हमने. ठीक है अच्छा कार्बो एनिमेलस कितना है? एक है. कार्बो वेज का कितना है उधर? थ्री. अच्छा कैमोमिला? तीन. चाइना? तीन. अच्छा कॉक्युलस? यार ये दो एक क्यों कह रहे हैं? एक मतलब बात करें कि आप समझ रहे हैं इसकी ग्रेडिंग को. जो ब्लैक है जो टू है. ब्लैक का टू है जी. ब्लैक है. चलो कॉकलस टू है. ठीक है जलापा. जलापा दवाई जो इसका क्या स्कोर है जी डॉक्टर साहब? नहीं है. नहीं है जी. जीरो. लेक्सस का क्या स्कोर है? लेक्सस भी नहीं है. नहीं है. नक्सामिका? डॉक्टर साहब आप नहीं बोल रहे यार पीछे से क्या मसला है? आप नहीं बोल रहे हैं. रस्टॉक्स नहीं है. जीरो. सल्फर? थ्री. अब इन सब में देखें सबसे ज्यादा स्कोर किस दवाई का है? कैमोमिला. आपकी सिंगल रेमेडी दवा है इस केस के अंदर. कैमोमिला आपकी दवा है. जिसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे वही आपके. जिसके नंबर ज्यादा हो जाएंगे वो केस की टोटलिटी को कवर कर रही है दवाई. कैमोमिला आपकी दवाई है. अब मुझे बताएं जरा अगर गैस के कॉम्बिनेशन जो आप बाजार से खरीदते हैं उसमें कैमोमिला दवाई है ही नहीं मरीज कैसे ठीक होगा? ये इलाज बिल मिसल है. इलाज बिल मिसल पता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मरीज सामने बैठा होगा ऑन द स्पॉट प्रेस्क्रिप्शन होगी. रेडीमेड प्रेस्क्रिप्शन नहीं होके मान के आएगी और हर मरीज की अलग दवाई होगी. कभी आप दर्जी के पास गए सूट का नाप देने के लिए? ठीक है आप जाके नाप देते हैं. कभी ऐसा भी कहा दर्जी यार कपड़े सी देना मेरे नाप के दिए बगैर. कपड़े सी देना मेरे. और वो हर बंदे का नाप अलग लेता है. हर बंदे का जोड़ा हर बंदे का सूट जो है वो अलग बनता है. ऐसा ही है कि नहीं है? इसलिए हर बंदे की जो दवाई है वो ऑन द स्पॉट बनेगी. जो मरीज की रिक्वायरमेंट है वही दूंगा. अपने माइंड को इस्तेमाल नहीं करूंगा कि भाई मैं समझा. अच्छा यार हम कहते हैं सर वो गैस के मामले में लोग कहते हैं यार लाइको दे दो चाइना दे दो कार्बोबाई दे दो. व्हाट इज दिस? ये नॉनसेंस है. आप मरीज को सामने बिठाएं उसकी जो डिमांड है उसके मुताबिक उसको दवाई दें. इस केस से आपको क्या लगता है कि सिंगल एमडी कितनी मुश्किल है? बदल गई ना परसेप्शन आपकी. तो ये होता है कि आप अगर अपने जो टूल्स हैं उनको प्रॉपर उनको हैंडल करना जानते हैं तो मुश्किल ही कोई नहीं है.